है? अब बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, जल्दी से राइट ले। इब देख इस शॉर्टकट से इन चोरों को कैसे पकड़ती हूँ। ओए बावड़ी बूझ, जल्दी से ब्रेक लगा। ओए बहादुर का रह गया, इब तक शीशा लेके नहीं आया, इब मैं अपना मेकअप कैसे ठीक करूं? ओ जी जरा मुड़ के देखो। ओए ओ बहादुर, जीप रोक। अगर जीप रोकी तो ये ट्रक हमारा पापड़ बना देगी। अरे कितना प्यारा बच्चा है ये। बहादुर अंकल, ये बच्चा नहीं, सबसे बड़ा बदमाश है। ओए भतीजे, अगर ये बदमाश यहाँ है तो फिर ट्रक कौन चला रहा है? तो तू ही है ना जिसने मेरे ऑफिस में चोरी की? वो तो डग्गा था। अरे डग्गा हो या मग्गा, मुझे मेरा सामान वापस कर। ओए भल्ले, तुझे अपने सामान की पड़ी है और हम यहाँ बिना ड्राइवर के ट्रक सवारी कर रहे हैं? क्या जी, वो तेरी हेड ने तो कमाल कर दिया। अरे चाचू जल्दी कुछ पकड़ो, हम टकराने वाले हैं। फर्नीचर बेचने का बहुत शौक था ना तने, इब जेल में जाके फर्नीचर बनाना। पूरे काम का पूरा नतीजा। यो भाई चाचा। हाँ भतीजा। हमारा चक्कर जैसे मैच के लास्ट बॉल पे बड़ा हो सिक्सर ठोको ताली। भतीजे चोरी होगी से, और चोर मेरा मुंह काला करके भाग गया। ओहो बंदूक जी, ठीक से बताइए कहाँ हुई चोरी? क्या आपने चोर को देखा? हाँ मैंने देखा, बिल्कुल नजदीक से देखा। ओ गुरु, इसने तो बंदूक जी को ही टोपी पहना दी। छा गए गुरु, छा गए। टोपी पहना रहे उसे। अरे मैडम जी, आप उसे क्यों पकड़ रही हैं? सारा खेल चौपट हो जाएगा। अरे 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 रुक जाइए, रुक जाइए प्लीज। अरे जी, बच गए। हट जाओ, बच्चे नहीं लुट गए, यो चोर से मेरी आंखों के सामने चोरी करके भाग रहा से यो। अरे ये कैसे हो सकता है, वो तो यहाँ पिछले 3 घंटों से लगातार साइकिल चला रहा है, वो भी हम सबके सामने। बंदूकनी जी, भल्ला अंकल सही कह रहे हैं। ओ जी, आपको कुछ गलत फहमी होगी है जी। प्रबन ने कोई गलत फहमी ना हुई है, यो वही चोर से। बंदूकनी जी, मेरे पास इतने सारे सबूत हैं, सारी जनता ने देखा है इसे यहाँ साइकिल चलाते। क्यों भाइयों, जबरू यहाँ से गायब हुआ था क्या? नहीं, 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 नहीं। तो ताली बजाओ जबरू के लिए। बंदूक जी, पब्लिक के सामने पुलिस कुछ नहीं कर सकती, आपके पास क्या सबूत है?
हमने तो चोर की पीठ देखी थी मैडम जी। प्रकाश मेरी आंखों ने खींची हुई तस्वीर तुम लोग ने दिखा सकती, पर मन ने भी कच्ची गोलियां ना खेली से। कानून के हाथ और बंदूक की लात से कोई ना बच सके है। हाँ चाचू, बंदूकनी जी का विश्वास देख के लगता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। भतीजे देख, मैं यहाँ खड़ी थी जब उसने अपनी बाइक घुमा ली और मेरे मुंह के ऊपर धुआं छोड़ के बोला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और फिर उस तरफ टर्न लेके पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हमसे पंगा लेने का होगा पूरा नतीजा। बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। मेरा शक सही था, यही है चोर और उस सूटकेस में हीरा है, पकड़ो उसे। चल भतीजे। ये क्या हो रहा है, वो हमारे टिम्बकटू के ट्रिप का क्या हुआ? ओ जी, कोई टिम्बकटू के फ्री टिकट नहीं है, इस चोर ने आपको बेवकूफ बनाया ताकि हीरा फंतूश नगर के बाहर ले जा सके। क्या, मैं इस चोर को छोड़ूंगा नहीं। चल पम्मी। ओए बावड़ी पूछ, भैंस की पूछ कहाँ घुसे जा रहे हो? बावड़ी बूझ, भैंस की पूछ, तने तो जेल में मैं टिम्बकटू दिखाती हूँ। चल। इस हीरे की चमक को कोई नहीं छुपा सकता, क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा। हाँ,
क्या हुआ? ये फटा क्यों नहीं? जरा देखना जाके। पोल्की, ये तो चाचा और भतीजा हैं। हमें समझ जाना चाहिए था कि हम पर अगर कोई भारी पड़ सकता है तो वो है ये दोनों। चलो अब यहाँ से निकल लेते हैं। ओए, ये दोनों भाग रहे हैं। ओए, पकड़ो इन्हें। हेलो बंदूकनी जी, डंका ढोल की भाग रहे हैं, जल्दी आइए। लेने का होगा बुरा नतीजा। बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। ओए वाह भतीजे, तेरी मेटल हेड तो हमेशा कमाल करती है। करती है टिट फॉर टैट, ऐसी है मेरी सुपर हेड। रे बावड़ी पूंछ भैंस की पूंछ। इस एटीएम मशीन ने तो हमारी हड्डी पसली एक कर दी और इस पर तो एक खरोच भी नहीं आई। इससे तो अच्छा हम बैंक ही लूट लेते। अब मैं जिंदगी में किसी एटीएम मशीन की शक्ल नहीं देखना चाहता। अरे जेल में तन्ने एटीएम मशीन की शक्ल दिखेगी बिना। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा।